बुलंदशहर में होली पर बुटैना और वर्तमान पूर्व ग्राम प्रधानों के बीच जमकर फायरिंग हुई। दोनों की लंबे वक्त से रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते दोनों प्रधान लोकेंद्र और पूर्व प्रधान गंगाराम और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगे। इस फायरिंग में चार बच्चे समेत आठ लोगों की गोली लगने से काफी गंभीर घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा हंगामा यहाँ पर हुआ और आठ लोगों की जख्मी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज इनका चल रहा है। तो दो पक्षों में ये संघर्ष था, जिसके बाद पुलिस ने हर पक्ष से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। होली के त्यौहार में जो रंजिश निकलकर सामने आती है, उसका ही नतीजा था कि यहाँ पर एक बार फिर से फायरिंग हुई और इस गोलीबारी के दौरान आठ लोग जख्मी हो गए, जिसमें चार बच्चे भी शामिल थे।